नया दिन है, नया सवेरा और एक नई जिंदगी। क्या आपके बिजनेस में आपको मुनाफा होगा? क्या जिस पार्टनर को आप महीनों से ढूंढ रहे हैं, क्या आज वो आपको मिलेंगे? क्या आपका यूट्यूब चैनल पूरी दुनिया देखेगी? आपकी हेल्थ कैसी रहेगी? जिस प्रमोशन का आप महीनों से इंतजार कर रहे हैं, क्या आज वो मिलेगी? अगर आपके पास सवाल हैं तो हमारे पास इनके जवाब भी हैं। इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी पता लगे कि उनका आज का दिन कैसे जाने वाला है। नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एस्ट्रो योगी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं डेली होरोस्कोप में राशि चक्र की पहली राशि मेष के साथ। आप अपने परिवार के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर आज अनैतिकता की आशंका जता सकते हैं। यह भावना आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है क्योंकि आपके हित आपके परिवार के सदस्यों से काफी भिन्न हो सकते हैं। विशेष रूप से आपसे बुजुर्ग रिश्तेदार आपके कुछ हालिया विकल्पों पर भौं चढ़ा रहे होंगे, लेकिन धैर्य आज आपका गुण होगा और आपको कुछ प्रशंसा दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अंत में परिवार ही मायने रखता है। आज के लिए ऑरेंज रंग आपके लिए भाग्यशाली होगा। प्रिय मेष, शाम 7 बजे से 9 बजे तक का समय आपके लिए शुभ माना जाता है। वृषभ राशि। कर्क राशि में चंद्रमा आपको बेचैन कर सकता है और आपको अपने आसपास की सभी अतिरिक्त ऊर्जा को रोकना मुश्किल हो सकता है। आपको सावधान रहने की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि इससे आपको कुछ महत्वपूर्ण याद आ सकता है। अपने कार्यों की देखभाल के लिए किसी पर भी निर्भर ना रहना आपके लिए सबसे अच्छा होगा। एस्ट्रो योगी ज्योतिष सलाह देते हैं कि आप अपने दम पर काम संभालें या परिणाम से संतुष्ट ना हो। पीला रंग पहनने से आपको अच्छी वाइब्स और सकारात्मक ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। इष्टतम परिणामों के लिए शाम 4 बजे से पहले अपने सभी महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम और पूरा करें। प्रिय मिथुन, कर्क राशि में चंद्रमा के साथ आप एक खुश और हसमुख मूड में हो सकते हैं। चीजें आपके लिए सही दिशा में जा सकती हैं और समय के अनुसार चीजों की योजना बनानी चाहिए। हालांकि यदि आप अभी भी अपने जीवन में छोटी मोटी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं तो इस समय का उपयोग चीजों को बेहतर बनाने के लिए तत्काल बदलाव करें। एक पद्धतिगत दृष्टिकोण को रेखांकित करने से आपको लंबे समय में एक मजबूत नींव रखने में मदद मिल सकती है। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों का सुझाव है कि आज आपके लिए कुछ भी महत्वपूर्ण करने का सबसे अच्छा समय शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच होगा। सफेद रंग दिन के लिए भाग्यशाली रंग है। कर्क राशि। आज का दिन आत्मनिर्भरता और कर्क राशि में चंद्रमा के साथ आत्मविश्वास के लिए है। आपके निर्णय हाजिर होंगे और आपका अपना निर्णय इस पारगमन के कारण दूसरों की तुलना में अधिक मूल्यवान होगा। आपको अपनी वृत्ति पर भरोसा करने की जरूरत है। प्रिय कर्क, अपनी पसंद और अपने कार्यों में विश्वास रखें। आपके निर्णय आपको एक लंबा रास्ता तय कराएंगे और यह जब आपके जीवन के लक्ष्यों के लिए आएगा। आज भाग्य आपके पक्ष में रहेगा। पूरे दिन को सकारात्मक बनाए रखने के लिए जेड ग्रीन रंग में कुछ पहने। एस्ट्रो योगी ज्योतिष सुझाव देते हैं कि सुबह 11:35 से 1 बजे के बीच का समय आपके लिए भाग्यशाली माना जा सकता है। सिंह राशि। कर्क राशि में चंद्रमा आपको थोड़ा तनाव में डाल सकता है और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि आप अपना आपा खो सकते हैं और काम के दौरान और प्रियजनों के साथ अनावश्यक बहस में पड़ सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको उकसाया जा रहा है। किसी भी हाल के तर्कों से अधीर ना हो और याद रखें कि कला के यह दौर अभी अस्थायी हैं और बीत जाएंगे, लेकिन अभी के लिए अपनी प्राथमिक भूमिका एक शांत मन रखने की है और उन तर्कों को शुरू नहीं करना है जो केवल आपके और आपके परिवार के लिए तनाव लाएंगे। अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए हल्का नीला रंग पहने। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों का सुझाव है कि सुबह 10 बजे से 1 बजे के बीच महत्वपूर्ण काम किया जा सकता है तो यह सकारात्मक परिणाम दे सकता है। कन्या राशि। कर्क राशि में चंद्रमा के प्रभाव के कारण आज आप जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को बहुत व्यवस्थित महसूस करेंगे। कन्या, कभी कभी आप अपने आप को जीवन से जो चाहते हैं
उसके संदर्भ में अपने आप को सभी जगह पा सकते हैं, लेकिन आज आप काफी केंद्रित और उत्पादक महसूस कर रहे हैं। सुनिश्चित करें कि आप अपने जीवन के सभी पहलुओं को देखते हैं, ताकि आप ऐसा महसूस ना करें कि आपको अंत में किसी भी अवसर की कमी है। नई नौकरी की तलाश करने वालों के लिए ग्रीन अनुकूल रहेगा। इसके अलावा एक साक्षात्कार के लिए सबसे अच्छा समय सुबह 10 बजे से 1 बजे तक का होगा, इसलिए यदि आपके पास इस समय के दौरान साक्षात्कार है तो आप नौकरी के लिए निश्चित हैं। तुला राशि। कर्क राशि में मौजूद चंद्रमा के साथ आज आपके प्रियजनों के साथ होने से आपको बहुत खुशी मिलेगी। आप एक साथ बाहर जा सकते हैं या एक अवसर मना सकते हैं। करीबी परिवार के सदस्यों के साथ छोटी यात्रा पर जाने के लिए यह एक उत्कृष्ट समय नहीं है। घर पर ही कुछ करने की कोशिश करें। आज दिन परिवारों के लिए शानदार रहेगा और आप पर इसका प्रभाव भी पड़ेगा। आप एक स्वास्थ्य मुद्दे से थोड़ा परेशान हो सकते हैं, जो जल्द ही हल हो जाएगा। आपके पास चिंता करने का एक बड़ा कारण नहीं है। इस समय का आनंद लेना चाहिए। एस्ट्रोयोगी ज्योतिष आपको नीलम नीला रंग पहनने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये आपको सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में मदद करेगा। 5 बजे से 6 बजे के बीच महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने से उच्च उत्पादकता प्राप्त करने की संभावना है। वृश्चिक राशि। जैसा कि चंद्रमा कर्क राशि में गोचर कर रहा है, करीबी दोस्त और परिवार आज मददगार होंगे और आपकी आत्मविश्वास को पूरे दिन ऊंचा रखने में मदद करेंगे। आपको भविष्य में उन्हें मजबूत बनाने के लिए बस अपने रिश्तों को बनाए रखने की जरूरत है। आज भी आपके मन और शरीर को रिचार्ज करने, आनंदित करने और फिर से जीवित करने का एक शानदार दिन है। आपके पास आसपास आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। आप दिन के अंत में कुछ अच्छी खबर की उम्मीद कर सकते हैं और अंतिम समय में अच्छे समय का आनंद ले सकते हैं। एस्ट्रोयोगी ज्योतिषों की भविष्यवाणी में यह अनुमान लगाया जाता है कि किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की योजना बनाई गई है और अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए दोपहर 1:45 से 3:30 के बीच कार्य को निष्पादित किया जाना चाहिए। पीला रंग आज आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। प्रिय धनु, चंद्रमा की कर्क राशि में उपस्थिति आपके लिए कुछ चुनौतियों का संकेत दे रही है। यह संभावना है कि यह पारगमन आपको थोड़ा सुस्त महसूस करा सकता है। यह संभवतः कुछ तनाव या काम के कुछ दबाव के कारण हो सकता है। कुछ हो सकता है कि आपको धैर्य रखना चाहिए और सकारात्मक बने रहें, क्योंकि यह एक अस्थायी चरण है। सुनिश्चित करें कि आपके स्वास्थ्य को नुकसान नहीं हो रहा है, अन्यथा यह जटिलताओं का कारण बन सकता है। एस्ट्रोयोगी ज्योतिषों का कहना है कि आशावाद और दृढ़ता आपके लिए सबसे अच्छा महत्वपूर्ण उपकरण होंगे। सकारात्मक भाग्य को आकर्षित करने के लिए हरे रंग में कुछ पहने। आपके भाग्य दोपहर 2:30 से 4 बजे के बीच सबसे ज्यादा आपका साथ देगा, इसलिए चीजों को इस समय के दौरान प्राथमिकता दें। मकर राशि। जैसा कि चंद्रमा कर्क राशि में है, यह आपको अज्ञात कारणों का पता लगाने के लिए बेचैन और उत्सुक महसूस करा सकता है, और यह तथ्य है कि आपके परिवार और प्रियजनों के साथ मिल जाने का एक अच्छा समय है। आपको निश्चित रूप से खुश रहना चाहिए। मकर, इस आनंदमय समय का आनंद आप ले सकते हैं। रसद के बारे में बहुत कठिन या बहुत ज्यादा ना सोचें। सहज ज्ञान आपका मार्गदर्शन कर सकता है। यह बहुत बार नहीं होगा कि आपको एक अवसर मिले जहां आप अपने प्रियजनों के साथ समय बिताया हो। इस समय का सदुपयोग करें और साथ में मस्ती करने पर ध्यान केंद्रित करें। एस्ट्रोयोगी ज्योतिषों के अनुसार आपका उच्च ऊर्जा दोपहर 2:00 से 3:00 के बीच आएगी। पीला रंग दिन के लिए भाग्यशाली रंग है। कुंभ राशि। आप जीवन के आध्यात्मिक उत्तर की तलाश में हैं, क्योंकि चंद्रमा कर्क राशि में है। कुंभ राशि, आप अपने आंतरिक पूंज के आधार को छूने के लिए अच्छा करेंगे और यह एक पारलौकिक अनुभव होगा। आत्मखोज आपको यह समझाने के लिए प्रेरित करेगी कि चीजें कहाँ गलत हो रही हैं और आप उन्हें कैसे बेहतर बना सकते हैं। एस्ट्रोयोगी ज्योतिषों के अनुसार आप में से शांति रखें और कुछ ही समय में चीजें सामने आने लगेंगी। 8:00 से 9:00 के बीच कुछ भी महत्वपूर्ण शेड्यूल करने का प्रयास करें और आप किसी भी तरह की गलती करने से बचें। नारंगी की एक छाया आपके लिए आज अच्छा भाग्य लाएगी। मीन राशि।
कर्क राशि में चंद्रमा की उपस्थिति एक ऐसा दिन बनाती है जब आप कुछ गहरी समस्याओं को सुलझाना शुरू कर देंगे जो आपको कुछ समय से परेशान कर रहे हैं। यह सत्य पर बीमारी और मुद्दों का इलाज करने का समय नहीं है। आप पा सकते हैं कि आप आखिरकार समस्याओं के मूल में पहुंच रहे हैं। यह एक कठिन प्रक्रिया है, लेकिन जब आप यह सब कहा और किया जाएगा तो आप नया और बेहतर महसूस करेंगे। दिन के लिए भाग्यशाली रंग पीला है। अधिकतम परिणाम प्राप्त करने के लिए दोपहर 3:30 बजे से 4:45 के बीच महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए। यह राशिफल सामान्य ज्योतिषीय आकलन के आधार पर है। यदि आप कुंडली के अनुसार विस्तार पूर्वक अपनी राशि के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।